नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद MBBS क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर DC मोटर के बारे में। आप सभी तमाम दोस्तों का बहुत ज़्यादा प्रेम मिला है इस वीडियोज़ के अंदर। DC मशीन के जो लेक्चर्स जो मैंने अपलोड किए हैं, बहुत से दोस्तों ने अच्छी तरह से उसको शेयर किया है और अपने तमाम दोस्तों तक क्या है उस वीडियो को पहुँचाया है। तो इसी तरह से क्या है, मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया और सुपर जो मैं कंटेंट आपके सामने लेकर आता रहूँगा। मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है, जो भी स्टूडेंट्स टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और मेरे साथ जुड़ा रहेगा तो उसका एक भी क्वेश्चन क्या है नहीं छूटेगा, ठीक है। मैं आपको बीच में बताता रहता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर उठने वाला है, ठीक है। ये भी मैं आपको बार बार में नोट करवाता रहता हूँ, तो आप क्या उनको अच्छी तरह से देखें और समझें, अपने नोट्स अच्छी तरह से बना लें। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को PDF नोट्स की ज़रूरत हो तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कीजिए या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी जो DC मशीन मोटर के बारे में। DC मोटर बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे हम, ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। स्पीड पकड़ने के लिए यूट्यूब के अंदर ऑप्शन होता है, आप स्पीड कितनी ही ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, वो आपके अकॉर्डिंग होगी। लेकिन मैं आपको बिल्कुल धीरे धीरे आराम से एक एक टॉपिक क्लियर करवाऊँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है डीसी मोटर के अंदर, क्या है डीसी मोटर के अंदर। हमने चार जो हमारे पास चार टाइप थे, ठीक है, उनमें से तीन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हमारे पास जो लास्ट टाइप है वो है मेरे पास, सबसे पहले एक बार मैं आपको टाइप बता देता हूँ दोबारा कौन कौन से है। सबसे पहले कौन सा बताया मैंने आपको, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। दूसरा जो टाइप है वो है मेरे पास सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। अब मेरे पास सेल्फ के अंदर तीन टाइप थे, एक तो था मेरे पास सीरीज, दूसरा है मेरे पास संट और तीसरा है मेरे पास कंपाउंड, तीसरा है मेरे पास कंपाउंड, ठीक है। तो हमने क्या है सेपरेटली के बारे में पढ़ा, अच्छी तरह से मैंने आपको बताया है। अगर जो भी स्टूडेंट्स आज नया जुड़ा है, जो भी विद्यार्थी आज नया है, वो एक बार पीछे की वीडियो जरूर देखे, ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैंने सेल्फ एक्साइटेड के बारे में आपको बताया। सेल्फ के अंदर मेरे पास मैंने दो टाइप कर लिए थे, सीरीज और संट के टाइप। मेरे पास बचा कौन सा है, सिर्फ कंपाउंड टाइप हम करेंगे अभी, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, अपने तमाम दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सा टाइप रहेगा, जो हमारे पास है आज का कंपाउंड टाइप, हमारे पास है सी नंबर जो है कंपाउंड डीसी मोटर। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कंपाउंड का मतलब क्या होता है। आपको पता हो अगर कंपाउंड का मतलब होता है, हिंदी के अंदर बोलते हैं यौगिक, ठीक है, यौगिक होता है। यौगिक का मतलब क्या है, हमारे पास किसी दो चीज़ को मिलाकर हम कोई चीज़ बनाएंगे नहीं, वो होता है हमारे पास कंपाउंड, ठीक है। अब क्या है, हमारे पास दो चीज़ हमें मिलानी है। अब आपने दो कौन कौन सी चीज़ पढ़ी है, एक तो आपने सीरीज के बारे में पढ़ा है, एक आपने संट के बारे में पढ़ा है। तो इन दोनों को हम इकट्ठा कर देंगे तो हमारे पास कौन सा बन जाएगा, कंपाउंड डीसी मोटर बन जाएगी, ठीक है। कैसे बनेगी देखते हैं। अब इसके अंदर भी हमारे पास दो मेथड होते हैं, कंपाउंड डीसी मोटर के अंदर मेरे पास दो मेथड होंगे। सबसे पहला मेथड कौन सा होगा, सबसे पहला होता है लॉन्ग संट, ठीक है, और दूसरा जो मेथड मेरे पास होता है वो होता है मेरे पास इसके अंदर शॉर्ट संट, शॉर्ट संट, ठीक है। ये मत समझना मैं सारे नाम यही इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आपकी बुक्स के अंदर भी इंग्लिश में ही नाम सारे हैं। तो इन ये जो हमारे टेक्निकल जो नाम है इनको हम इंग्लिश में ही अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इनकी हिंदी ज़्यादा क्या आप मत छानना, सिर्फ इंग्लिश के अंदर क्या आपको अच्छी तरह से याद रहेंगे। अब क्या है मेरे पास लॉन्ग संट और शॉर्ट संट की बात करते हैं हम। लॉन्ग संट का मतलब क्या है मेरे पास, संट का मतलब मैंने आपको बताया था पैरेलल या फिर समांतर क्रम। संट जो वाइंडिंग हमारी क्या होगी, लॉन्ग होगी, लंबी होगी। इसके अंदर जो संट वाइंडिंग मेरी क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। अब हमें करना क्या है कंपाउंड के अंदर, कंपाउंड के अंदर मुझे सीरीज और संट दोनों वाइंडिंग बनानी होगी, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर लॉन्ग संट करनी है हमें, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने ये सीरीज वाइंडिंग बना दी। ये सीरीज बनाने के बाद में ये मेरा आर्मेचर है, यहाँ पर मैंने दो ब्रश लगा दिए, ठीक है, जो कि हर एक मोटर के टाइप में मैंने आपको बताए हैं, ठीक है दोस्तों। अब मुझे ये मेरी सीरीज मोटर बन गई, आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग मेरी आपस में सीरीज में है तो सीरीज मोटर बनी है। अब क्या करना है मुझे,
दोनों कॉम्बिनेशन बनाने हैं सीरीज़ और संट के, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर जो मेरे पास संट वाइंडिंग है वो लंबी संट वाइंडिंग यूज़ करके मैं एक टाइप मैंने ये और यहाँ पर कर दिया, ठीक है, ये वाइंडिंग और मैंने लगा दी यहाँ पर। अब क्या है इसके अंदर मेरे पास, सबसे पहले मोटर की बात कर रहे हैं हम, तो मोटर के अंदर क्या होता है हमारे पास, जो वोल्टेज हम देंगे यहाँ से, वोल्टेज अप्लाई करने के बाद में मेरा लाइन करंट जाएगा, लाइन करंट जाने के बाद ये सीरीज वाइंडिंग है तो यहाँ पर मेरे पास सीरीज करंट मिलेगा, सीरीज करंट के बाद क्या है मेरे पास सीरीज प्रतिरोध होगा, सीरीज प्रतिरोध है यहाँ पर, ये मेरे पास सीरीज करंट यहाँ तक आने के बाद दो भागों में बंट रहा है, दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं उसको, तो मेरे पास ये जो रास्ता है उस पर जो करंट जा रहा है उसको मैंने नाम दे दिया ISH संट करंट, और इसका जो प्रतिरोध है उसको नाम दे दिया RSH, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास आर्मेचर है, आर्मेचर मैंने बताया था आपको बैक EMF के बारे में, मैंने आपको डिस्कस नहीं किया अभी तक, आज करेंगे बैक EMF के बारे में, ठीक है, EB बोलते हैं इसे। ये मेरे पास RA है और यहाँ पर मेरे पास जो करंट आएगा वो मेरे पास करंट आएगा IA करंट, आर्मेचर करंट, ठीक है दोस्तों। अब क्या है इसके अंदर, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम निकालते हैं इसके अंदर वोल्टेज, वोल्टेज निकालेंगे तो वोल्टेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, टोटल वोल्टेज जो दे रहे हैं उसके बाद में यहाँ पर जो हमारे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यहाँ तक पहुँचने के बाद, उन वोल्टेज ड्रॉप सभी को जोड़कर और EB को जोड़कर लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, टोटल मेरी EB यहाँ पर वोल्टेज पहुँच गई, और जो रस्ते के अंदर मेरे पास ड्रॉप हुआ था, ड्रॉप मैंने क्या बताया था, अगर कहीं पर आपको R और I दोनों इकट्ठे दिखाई दे जाए तो समझ लेना वो क्या करेंगे, वोल्टेज की गिरावट करने वाले हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर IE और RSC हमें वोल्टेज गिरावट दिखाई दे रही है, तो इनका मैंने नाम लिख दिया यहाँ पर ISC और RSC, प्लस में यहाँ पर मेरे पास जो गिरावट है वो दिखाई दे रहा है IA और RA, ठीक है। इस साइड में हमारे पास कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है मेरे पास सिर्फ जो मेरे पास ड्रॉप हो रहा है वो यहीं तक हो रहा है आर्मेचर तक ही, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन सभी चीज़ों को क्या है मैंने, ये मेरे पास क्या बन गई, ये मेरे पास वोल्टेज बन गई, जो कि ये लॉन्ग संट जो मेरे पास कंपाउंड डीसी मोटर का प्रकार है उसके अंदर, ठीक है। सेम वही कंडीशन, अगर आपको ISH निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ISH निकालना हो तो IL माइनस IA, ठीक है। ISH जो करंट है मेरे पास, मेन जो करंट आया है उसमें से ये माइनस करके यहाँ पर ये बचेगा, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। अगर आपके पास ISH वोल्टेज के हिसाब से निकालना हो तो क्या करोगे आप, ISH बराबर क्या होगा, V बटा में RSH, हम क्या निकालेंगे, ये वोल्टेज के हिसाब से निकाल सकते हैं संट करंट, ठीक है। ये बातें हमने की है लॉन्ग संट के बारे में। अब एक बात आपको और पता होना चाहिए, कंपाउंड मोटर आपकी है तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है आपको, आपके पास सीरीज मोटर है, संट मोटर भी है आपके पास, तो कंपाउंड मोटर की ज़रूरत क्यों पड़ी है। कंपाउंड मोटर की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि कहीं कहीं पर हमें क्या दिखाई देता है, स्पीड के अंदर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो हमारी स्पीड होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, तभी क्या है हम कंपाउंड मोटर यूज़ करेंगे। अगर क्या है हमें स्पीड हमें स्थिर रखनी है हमें स्पीड, जो हमारी कॉन्स्टेंट स्पीड होगी तो क्या है ये संट मोटर काम कर रही है इसके अंदर, और जो हमारे पास लोड के हिसाब से काम करें तो सीरीज मोटर ये काम कर रही है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिया हमने, उसको नाम दे दिया लॉन्ग संट, और कंपाउंड का ये टाइप है, ठीक है। उम्मीद करूँगा ये आपको समझ में आ गया है। दूसरा मेथड देखते हैं हम शॉर्ट संट के बारे में। शॉर्ट संट का मतलब क्या है, इसके अंदर जो हमारी संट वाइंडिंग है वो क्या होगी, छोटी होगी, शॉर्ट मतलब छोटा होगा, ठीक है। तो मैं सेम इसी तरह से बनाता हूँ, मेरे पास क्या है, ये मेरी क्या है सीरीज वाइंडिंग, मेरी थोड़ी लंबी होगी, और ये मेरे पास क्या बना है आर्मेचर बना है, इस आर्मेचर को थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ये मेरे पास है आर्मेचर, ठीक है। यहाँ पर लगाने हैं दो ब्रशेज, ये मैंने दो ब्रशेज लगा दिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है मेरे पास, अब मेरे पास जो संट वाइंडिंग बनेगी तो संट वाइंडिंग क्या होगी, शॉर्ट होगी, छोटी होगी, तो संट वाइंडिंग क्या है, छोटी सी हमें संट वाइंडिंग यूज़ करनी है, तो ये वाली, ठीक है। ये मैंने बना दी शॉर्ट संट डीसी कंपाउंड मोटर। इसके अंदर सेम वही कंडीशन होगी सारी, यहाँ पर हम वोल्टेज देंगे, वोल्टेज देने के बाद मेरा करंट जाएगा लाइन करंट, ये मेरे पास RSC सीरीज प्रतिरोध है, यहाँ पर मेरे पास सीरीज करंट होगा, यहाँ तक करंट आएगा तो मेरे पास ISH यहाँ पर संट पर करंट होगा मेरे पास, और ये RSH मेरे पास संट प्रतिरोध होगा यहाँ पर, और सेम वही कंडीशन EB होगी, और मेरे पास यहाँ पर RA, और ये मेरे पास IA। इसकी जो इक्वेशन बनेगी सेम बनेगी डिट्टो, तो मेरे पास लॉन्ग संट और शॉर्ट संट का है, ठीक है। सिर्फ फ़र्क क्या किया हमने, इसके अंदर संट वाइंडिंग है वो क्या है, छोटी है। अब संट वाइंडिंग हमने छोटी यूज़ कर रखी है तो इसकी कंडीशन क्या होगी, अगर हमारे पास संट वाइंडिंग छोटी है तो इसके अंदर आपको पूछ लिया जाए भी आपके पास शॉर्ट संट कंपाउंड मोटर है
संट वाइंडिंग का जो प्रतिरोध ज़्यादा होगा या कम होगा, ठीक है, इस बारे में आपको पूछ लिया जाए इन दोनों के बारे में, ठीक है। तो क्या होगा, संट वाइंडिंग के अंदर जो प्रतिरोध होता है, जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगा, किसका, संट वाइंडिंग का, संट वाइंडिंग का, संट वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा हमारे पास, संट वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होता है, कम होता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और जो हमारे पास लॉन्ग संट मोटर है हमारे पास, इसका जो प्रतिरोध होगा संट वाइंडिंग का ज़्यादा होगा, ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमने क्या है, कंपाउंड जो हमारे पास डीसी मोटर है उसके बारे में मैंने आपको डिस्कस करवा दिया, ठीक है। अब यूज़ कहाँ करते हैं इसके बारे में थोड़ा उसको पता होना चाहिए। यूज़ इसका करते हैं पंचिंग मशीन के अंदर, जहाँ पर पंच वगैरह लगाते हैं तो वहाँ पर पंचिंग मशीन के अंदर यूज़ करते हैं हमारे पास कंपाउंड डीसी मोटर का, ठीक है। दूसरा यूज़ दे रखा है हमें, लिफ्ट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है, लिफ्ट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास एक होती है रोलिंग, ठीक है, रोलिंग मशीन, रोलिंग मशीन के अंदर भी क्या है, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है हम यहाँ पर इस मोटर का यूज़ करें, जहाँ पर हमें सूटेबल जो सप्लाई उपलब्ध होगी और हमारे पास उस टाइम में जो सस्ता सिस्टम पड़ेगा उसी मोटर को हम वहाँ पर यूज़ ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा प्रेफरेंस उसी को देते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं भी हमारे पास रोलिंग मशीन के अंदर ही इसी मोटर को यूज़ करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हमारे पास सिंक्रोनस मशीन भी होती है, उसकी भी कॉन्स्टेंट स्पीड होती है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बात भी आपको माइंड में रखनी है, ज़रूरी नहीं भी इन सारे मैंने नाम आपको लिखवाए हैं यहीं पर इनको ही यूज़ करेंगे, ये सिर्फ प्रेफरेंस है, हम यहाँ पर यूज़ इसको कर सकते हैं, आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है, वो आपके अकॉर्डिंग आप यूज़ करो या ना करो। तो ये हमने टाइप किया है डीसी कंपाउंड मोटर के बारे में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट मेरे पास जो दिया हुआ है, नेक्स्ट मेरे पास है, थोड़ा सा हम बात करेंगे बैक ईएमएफ के बारे में, थोड़ी सी हम बात करेंगे बैक ईएमएफ, और जो हमारे पास डीसी मोटर है और जो जनरेटर है, आगे हम जनरेटर शुरू करेंगे, अभी तो डीसी मोटर थोड़ी लंबी रहेगी, हमारा 3-4 लेक्चर और होने वाले हैं डीसी मोटर के बारे में। स्पीड कंट्रोल भी पढ़ेंगे, इनकी करेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे, स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, स्टार डेल्टा नहीं सॉरी 3 पॉइंट जो स्टार्टर है उनके बारे में। अब मेरे पास क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डीसी मोटर जो हमारे पास मोटर है, अगर आपको कहीं पर नाम दिखाई दे मोटर, ठीक है, मोटर के अंदर कौन सा रूल यूज़ होता है ये पूछता है बहुत बार एग्जाम के अंदर, ठीक है, कि मोटर के अंदर राइट एंड रूल यूज़ होता है या लेफ्ट एंड रूल यूज़ होता है। तो आपको याद क्या रखना है, मोटर के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है ये इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, मैं आपको नोट करवा रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपके पास हो जनरेटर, जनरेटर हो, जनरेटर के अंदर आपके पास कौन सा जो रूल होगा वो होगा राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ठीक है। याद कैसे रखेंगे, याद कुछ इस तरह से रखेंगे हम, जैसे जनरेटर है हमारा, जनरेटर हम कौन राइट हैंड से ही क्या है स्टार्ट करते हैं, जो हमारा जनरेटर का जो हैंडल होता है उसको हम राइट हैंड से पकड़ के इस तरह से घुमाते हैं, ठीक है, तो हमारा जनरेटर स्टार्ट होता है। उसी तरह से याद रखेंगे, जनरेटर के अंदर हम राइट हैंड रूल और जो मोटर के अंदर क्या है लेफ्ट हैंड रूल, ये आप याद रख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं बैक ईएमएफ की, अब बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ क्या होता है, बैक ईएमएफ ये चीज़ें हैं, जैसे कि हमने क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक सीरीज मोटर का मैं एग्जांपल लेता हूँ, सीरीज मोटर का मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है, यहाँ पर मैंने वोल्टेज दी है, वोल्टेज दी है मान लीजिए 220 वोल्टेज यहाँ पर मैंने दे दी, ठीक है, लाइन करंट जाएगा मेरा इस तरह से आगे आएगा, यहाँ पर मेरे पास आई ये जो आर्मेचर पर करंट है वो जाएगा, और आर्मेचर पे क्या होगा, करंट जाने के बाद यहाँ पर एक वोल्टेज उत्पन्न होगी, उस वोल्टेज को नाम दिया गया है बैक ईएमएफ। अब बैक ईएमएफ क्या होगी हमारी, बैक ईएमएफ हमेशा अप्लाइड वोल्टेज का विरोध करती है, ये बात आपको याद रखनी है, जो बैक ईएमएफ हमेशा अप्लाइड वोल्टेज का, जो हम वोल्टेज दे रहे हैं अप्लाइड वोल्टेज का विरोध करती है, विरोध या हम बोल सकते हैं अपोज, ठीक है, अपोज करती है, मतलब मेरे पास जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इस दिशा में आ रही है तो बैक ईएमएफ मेरी इस दिशा में जाएगी, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना बैक ईएमएफ के बारे में। इसी के सब जो साथ में हमारे पास एक नियम होता है लेंज का नियम, ठीक है, इसी के साथ में आपने कभी सुना होगा लेंज ला, लेंज का नियम वो क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ अभी। लेंज का नियम क्या होता है, जिस चीज़ से कोई चीज़ उत्पन्न हुई है वो चीज़ उसी का विरोध करने लगे तो उसको बोलते हैं लेंज का नियम। अब मान लीजिए यहाँ पर ये वोल्टेज देने के बाद ही मेरी बैक ईएमएफ उत्पन्न हुई है,
ठीक है, अगर हम ये वोल्टेज ना देते इसको तो यह क्या बेक ईएमएफ उत्पन्न हो जाती यहाँ पर, नहीं हो सकती थी। ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पर, वोल्टेज मैंने दी है यहाँ पर, वोल्टेज देने के बाद ही मेरे पास क्या है जो बेक ईएमएफ है ये उत्पन्न हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके कारण ये उत्पन्न हुई है और ये वोल्टेज इसी का विरोध कर रही है, तो ये हमारे पास कौन सा नियम होता है, लेंज का नियम होता है। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी समझ ना आए तो इसका एक और बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये आपको समझ में आ गया है बैक ईएमएफ के बारे में। अब बैक ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वो भी आपको याद रखना होगा, हमारे पास बैक ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी फाई जेड एन बटा साठ ए। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला होगा बैक ईएमएफ का। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बताता हूँ आपको मैं, पी मेरे पास क्या होते हैं, पी मेरे पास होते हैं पोलों की संख्या, जो मेरे पास नंबर ऑफ पोल कितने हैं उनकी संख्या होगी, दो पोल है, चार पोल है, या आठ पोल है, या छः पोल है। ठीक है, उसके बाद जो मेरे पास फाई होता है वो मेरे पास होता है फ्लक्स, फाई फ्लक्स है, तो फ्लक्स की इकाई आपको पता होनी चाहिए, फ्लक्स की इकाई होती है वेबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। जड हमारे पास क्या होते हैं, जड हमारे पास होते हैं चालकों की संख्या, नंबर ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, हमारे कंडक्टर कितने हैं वो हमारे होते हैं जड। उसके बाद मेरे पास क्या है एन, एन मेरे पास क्या होती है, एन मेरे पास होती है स्पीड। ठीक है, स्पीड को हमेशा किस में लिखते हैं, आरपीएम में, आरपीएम में हमेशा स्पीड को लिखते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर ए जो है वो क्या है मेरे पास, ए है हमारे पास समांतर पथों की संख्या। ठीक है, समांतर पथों की संख्या होती है मेरे पास ए। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको क्लियर करवा दिए, ये मेरे पास जो बैक ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, पी फाइव जेड एन बटा साठ ए। यही फॉर्मूला सेम किसका होता है, यही फॉर्मूला सेम होता है हमारे पास ई जी का, जो आगे हम पढ़ेंगे जनरेट वोल्टेज का, सेम यही फॉर्मूला होगा। तो ये आपको याद रखना होगा, तो एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्ट इनकी वैल्यू देकर आपको हल करना होगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता चला बैक ईएमएफ के बारे में क्या होती है, लेंज नियम के बारे में, और मोटर और जनरेटर के अंदर हम कौन से रूल यूज़ करते हैं इनके बारे में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जितना भी हम कर रहे हैं कंटेंट वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, और हम क्या दूसरी साइड में हम जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम कर रहे हैं, उनकी सीरीज़ हमने शुरू कर रखी है, तो हम प्रोटेक्शन असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था हमारे पास हरियाणा के अंदर, तो उसका हम सॉल्यूशन हमने एक जो हमने पार्ट कर लिया है, दूसरा पार्ट भी शुरू कर रखा है हमने मॉर्निंग शिफ्ट का। ठीक है, तो वहाँ पर उन क्वेश्चनों को भी क्या प्रैक्टिस करते रहे, जितने ज़्यादा आप क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपके लिए एग्ज़ाम क्लियर करने का अच्छा रास्ता बनेगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते रहे, हमारे साथ जुड़े रहे, एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटने दूंगा मैं टेक्निकल सिर्फ पोर्शन के लिए। ठीक है, टेक्निकल जो आप इलेक्ट्रिशियन की तैयारी कर रहे हो आपको बिल्कुल बारीकी से मैं आपको बता रहा हूँ, और मुझे पता भी आप तमाम दोस्तों को ये वीडियोस अच्छी भी लग रही है, और अपने दोस्तों के साथ भी किया है, बहुत से मेरे फ्रेंड्स ने शेयर भी किया इनको। ठीक है, मैं आपको, आप जितना भी मुझे मोटिवेट करोगे, जितना ज़्यादा मोटिवेट करोगे मैं आपको क्या है अच्छे अच्छे और भी कंटेंट देता रहूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, और अपने तमाम दोस्तों के साथ क्या है शेयर ज़रूर कीजिए, और क्या है आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन उठ रहा हो तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कमेंट करने में थोड़ी सी आप ढील बरत रहे हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और लाइक तो आप करोगे, मुझे पता है वीडियो आपको पसंद आने वाली है। तो आगे हम क्या कर देंगे, आगे मेरे पास दिया हुआ है डीसी मोटर के अंदर जो हमारे पास उत्पन्न होने वाला जो बल है, फोर्स है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, जो अभी एग्ज़ाम के अंदर पीछे क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, डीसी मोटर में उत्पन्न फोर्स, जो हमारे पास बल उत्पन्न होता है डीसी मोटर के अंदर, जो मेरे पास फोर्स होता है, उसके बारे में अभी हरियाणा के अंदर एचएसएससी के अंदर लाइनमैन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन मैंने, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे ऑफलाइन बेस के अंदर, मैंने उनको बहुत बार रटवाया था। ठीक है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्या है ये क्वेश्चन सही गया था। क्या क्वेश्चन है, फोर्स पूछा गया था, डायरेक्ट फोर्स आपको पता होना चाहिए, बी आई एल साइन थीटा, आपको डायरेक्ट ये बात याद आनी चाहिए, बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, इसके अंदर क्या है मेरे पास, बी मेरे पास क्या हुआ, मैं एक एक बात बताता हूँ आपको, बी मेरे पास होती है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व मतलब डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसकी इकाई एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी जाती है, इकाई जो है इसकी इकाई आपको याद रखनी है, और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इसकी इकाई मैक्सिमम याद रहेगी।
ठीक है, मैं बार बार इस इकाई को क्या है बोलता रहता हूँ, बताता रहता हूँ हर एक क्वेश्चन के अंदर, ये लगभग क्या है हम करते रहते हैं। मैं जहाँ पर बी नाम आएगा उसकी इकाई आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी इकाई क्या होती है, वेबर बटा मीटर स्क्वेयर, ठीक है। और एक और हमारे पास इसकी इकाई होगी जिसे नाम दिया हुआ है टेस्ला, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास बी, दूसरा मेरे पास क्या है आई करंट, करंट जो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा आपको पता है धारा, धारा की इकाई किस में होती है एम्पियर में, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको पूछता हूँ, ये मेरे पास आपको पूछ ली गई कि धारा की इकाई बतानी है आपको, ठीक है। अब आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, फर्स्ट ऑप्शन एम्पियर, बी ऑप्शन सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबो। इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से देख सकते हो, मैंने पूछा है धारा की इकाई बताइए, तो धारा की इकाई आपको इनमें से बतानी है, कौन सी इकाई आपके लिए सुटेबल रहेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताना है आपको इसका जवाब, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए जिससे क्या है पढ़ाने वाला की अच्छी तरह से मोटिवेट हो जाए, ठीक है। अब मेरे पास आगे दिया हुआ है इसके अंदर क्या है, आई की बात कर ली मैंने, एल की बात करते हैं, तो एल आपको पता है इसके अंदर होगी लेंथ, जो लंबाई होती है, लंबाई की इकाई हमारी होती है मीटर के अंदर, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, फोर्स का फॉर्मूला हमेशा क्या होगा बी आई एल साइन थीटा, ठीक है, डायरेक्ट आपको याद रखना है ये फॉर्मूला। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो ये लेक्चर रहा काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर रहा है, तमाम दोस्तों को अच्छी तरह से लगा है, और जितना भी मैं आपको करवा रहा हूँ अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर बताइए, ठीक है, हम आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। और साथ साथ में क्या है, हम क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, ठीक है, अलग हमने क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो वो क्वेश्चन सीरीज़ ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, धन्यवाद दोस्तों।